कृषि विज्ञान केंद्र में सोमवार को किसान मेले का आयोजन किया गया। मेले में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसी के साथ फसलों में फलने वाली बीमारी व कृषि के साथ पशुपालन के बारे में भी जानकारी दी गई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मेले में विशेष सावधानियां रखी गई। किसानों को मेले में जाने से पूर्व मास्क वितरित किए गए, इसी के साथ ही हाथों को सैनिटाइज भी करवाया गया। केंद्र के सीनियर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर देवेंद्र जाखड़ ने पराली प्रबंधन के बारे में बताते हुए कहा कि पराली जलाना किसी भी सूरत में फायदेमंद नहीं है, बल्कि पराली जलाने से किसानों का नुकसान हो रहा है। वहीं पराली का उचित प्रबंधन कर किसान इससे लाभ उठा सकते हैं। जिला के अनेक किसान पराली से लाभ उठा रहे हैं, इसके लिए जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने से भूमि की उपजाऊ शक्ति कमजोर होती है, इसी के साथ प्रदूषण भी फैलता है। केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील बेनीवाल ने कहा कि पराली को भूमि में मिलाने का कार्य किया जाए, इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। उन्होंने बताया कि पराली को भूमि में मशीनों से मिलाया जा सकता है। इसी के साथ भूमि में गेहूं की सीधी बिजाई भी किसान कर सकते हैं। जो किसान भूमि में पराली मिला रहे हैं, वह किसान दूसरे किसानों के मुकाबले अधिक उत्पादन ले रहे हैं, क्योंकि पराली जलाने से सूक्ष्म जीव व मित्र कीट नष्ट होते हैं। वहीं लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पशुपालन विशेषज्ञ डॉक्टर महावीर सिंह व पशुपालन विभाग के उपमंडल अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर बंसल ने किसानों को पशुपालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसान आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन करे, इससे किसान पशुओं के गोबर से जैविक खाद भी तैयार कर सकते हैं, इससे फसलों का उत्पादन भी अच्छा होगा। आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये फसल अवशेष प्रबंधन पे है। इसमें किसानों को ये बताया गया है कि जो पराली है उसको ना जलाकर उसका खेत के अंदर ही प्रबंधन कैसे करना है, या उसकी गांठें बना के बाहर कैसे निकालनी है। जैसे कि हमारी सरकार भी इसके ऊपर काफ़ी बजट काफ़ी स्पेंड कर रही है, काफ़ी ट्रेनिंग है और है सारी चीज़ें, इन पर बल दिया जा रहा है। तो उसी कड़ी में हम भी ये प्रशिक्षण करा रहे हैं। उसमें हम ये बता रहे हैं कि जो खेत के अंदर जो पराली प्रबंधन कैसे करना है और खेत से बाहर इसको कैसे निकालना है। खेत के अंदर पराली प्रबंधन में मेनली जो हैप्पी सीडर है या जीरो ड्रिल मशीन है या रिवर्सिबल प्लाऊ है, इस तरह के जो कृषि यंत्र हैं, इनसे पराली का प्रबंधन किया जाता है। और उनके बाद में जो अलग अलग प्रकार की फसलों में ये प्रबंधन अलग अलग है। जैसे कि आलू उगाना है तो रिवर्सिबल प्लाऊ लगा कर उसके बाद में खेत को समतल करके उस पर मेंड बना के आलू लगाया जा सकता है। इसी तरह से अगर गेहूं की बिजाई करनी है तो पराली के अंदर ही सीधा एपिसीडर चला के उससे गेहूं की बिजाई की जा सकती है। सिरसा से सुनील वर्मा की रिपोर्ट। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।